हेलो एवरीवन वेलकम टू चैनल तो आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ वैसे आपको ऑलरेडी पता है कि एनटीए अभ्यास एनटीए अभ्यास के जो आपके पास एप है उस एप में जो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट दिए हुए हैं उन मॉक टेस्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बात मैं आपको बता देने वाला हूँ कि जो ये जो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हैं जो NTA ने बनाए हैं ये सारे मॉक टेस्ट में जो हमारे प्रीवियस इयर्स के क्वेश्चंस हैं जेई मेन के जेई मेन के भी हैं इसमें और जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस हैं जेई एडवांस के क्वेश्चंस आसान वाले JEE एडवांस के क्वेश्चंस जो इजी और मॉडरेट लेवल के एडवांस में आते हैं वो यहां पे इंक्लूडेड हैं भले ही एक्सप्लीसिटली नहीं लिखा हो लेकिन वो सारे सवाल हैं मैं आपको दिखाऊंगा आगे वाले लेक्चर्स में यदि कोई सवाल आएगा और नज़र पड़ जाएगा तो तो ये जो पेपर हैं ये बहुत ही शानदार पेपर हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ही शानदार पेपर हैं तो यदि अभी तक आपने इनको सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है और आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो मैं टेन बाई टेन रिकमेंड करूँगा कि ये आप पेपर जो हैं आपको ये करने ही चाहिए ये लगभग हंड्रेड प्लस के आसपास पेपर्स हैं इससे पहली वाली सीरीज में जब लास्ट हमारा जेई मेन था तब हम काफी सारे पेपर्स डिस्कस कर चुके हैं हमने एंडिंग से लास्ट वाले पेपर से स्टार्ट किया था सॉल्व करना अब जो है हम स्टार्टिंग से पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं ये पेपर नंबर फाइव है ये पेपर नंबर फाइव है ठीक है फाइव के कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुके हैं अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जरूर चेकआउट कीजिए हमारे चैनल पर प्ले है उसमें आपको मिल जाएगी पूरी प्ले लिस्ट एन अभ्यास नाम से उसमें सारे पेपर्स जो है आप उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को सबसे देखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिखा है इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए और मैं सॉल्व करूँ उससे पहले आप इस सवाल को अटैम्प कीजिए तो इससे होगा क्या कि आपको एक डिसिप्लिन रहेगा जितने भी वीडियो आते हैं दिन में दो या तीन वीडियो आते हैं उन दो या तीन वीडियो में लगभग दस सवाल तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे तो डेली आप दस सवाल कर रहे हैं तो जेई मेन आने तक आप देखिए कितने सारे सवालों की प्रैक्टिस आपकी हो जाने वाली है वो भी सिर्फ इतने कम समय में मुश्किल से बीस या पच्चीस मिनट का तीस मिनट का एक वीडियो होगा और आप डेली एक घंटा भी पैंतालीस मिनट पचास मिनट भी यदि आप निकालेंगे तो आपके बहुत सारे सवाल जेई मेन तक हो जाने वाले हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को यदि नहीं किया है और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको आप जरूर दबा दीजिए जिससे जब भी वीडियो हम यहाँ से सेंड किए सेंड करें अपलोड करें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी जो है वीडियो आप मिस ना करें तो अब समझ गए कि जेई मेन 2020 के लिए 2022 के लिए हम ये जो है सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं अब इसके बाद चलते हैं आगे सबसे पहला सवाल जो हमारे आज के सेशन में होने वाला है वो है क्वेश्चन ये किसी एंगल पर वो इंक्लाइंड है मिरर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्राम द अदर रीट्रेसिस इट्स पाथ द एंगल बिटवीन द मिरर्स तो ये जो टर्म है रीट्रेसिज इट्स पाथ इस पे बेस्ड काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है लेकिन है बहुत ज्यादा आसान तो यहाँ पे सवाल को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे दो मिरर हैं एक मिरर को मैं मान लेता हूं, नाम दे देता हूं पे M1 और दूसरे मिरर को नाम दे देता हूँ एंगल है वही हमें निकालना है तो मैं मान लेता हूं कि उन दोनों के बीच का एंगल थीटा के बराबर है एंगल दोनों के बीच में थीटा के बराबर है ये मिरर है मिरर नंबर एम और एक मिरर है हमारे पास मिरर एम वन मिरर रहा एम

तो थर्टी डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइट रे यहां पर लेता हूं थर्टी डिग्री डिग्री से ही थर्टी डिग्री पे ही ये रिफ्लेक्ट होने वाली है थर्टी डिग्री से ही ये रिफ्लेक्ट होने वाली है अब क्वेश्चन में कहा है कि जब लाइट दूसरे मिरर पर टकराती है तो रिट्रेस कर लेती है अपने पाथ को रिट्रेस करने का मतलब यह है कि यहां से इंसिडेंट हुई है इस पॉइंट पर और इसी रास्ते में जो है वो रिफ्लेक्ट हो चुकी है इसी रास्ते के अलोंग वो रिफ्लेक्ट हुई है अब यही रास्ता उसने अपनाया है तो लाइट यहां पे 30 डिग्री एंगल बनाएगी इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर मिरर पर 30 डिग्री एंगल बनाएगी तो 30 डिग्री से चली जाएगी तो ये वाला पाथ रिट्रेस करेगी तो ऑटोमेटिकली ये वाला पाथ भी रिट्रेस उसे करना होगा तो जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है रिट्रेशन का जहां से रिट्रेस करना स्टार्ट किया है वो वाला पॉइंट कौन सा है ये वाला अब इस पॉइंट पर सोचिए कि रिट्रेस कब कर सकती है तो जब नॉर्मल के अलोंग जब इस नॉर्मल के अलोंग लाइट आकर गिरे तो मैं कह सकता हूं ये रिट्रेस कर लेगी इसका मतलब ये वाला जो एंगल है लाइट का वो नाइन्टी डिग्री होना चाहिए अब ये नाइनटी डिग्री समझ में आ गया हमें ये थर्टी डिग्री है तो ये कितना हो गया बेटा 60 डिग्री के बराबर हमें एंगल मिल चुका है और आप ध्यान से देखिए इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिए इस वाले ट्राइंगल को आप ध्यान से देखिए तीनों जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं इनका समीशन होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है तो मैं कह सकता हूं थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री तो यहां से आपको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 180 एटी माइनस वन डिग्री इज इक्वल टू थर्टी डिग्री तो हमारे पास आंसर हमें मिल जाता है थीटा इज इक्वल टू थर्टी डिग्री यानी डिग्री का एंगल दोनों मिरर्स के बीच में है तो आई होप आपको समझ में आया ये मिरर ये मिरर मिरर की प्रॉपर्टी है यदि के के परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर या नॉर्मल लाइट जा रही है तो वो उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट हो जाती है कैसा भी मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो मान लीजिए आपके पास एक ऐसा कॉन्वेक्स टाइप का मिरर होता और इस पॉइंट पर लाइट आती है इस तरह से और यही इसका नॉर्मल है यही इसका नॉर्मल है नॉर्मल के लॉन्ग लाइट आती है तो वापस इसी रास्ते से लौट जाएगी ऐसे यहां पे कह सकते हैं लाइट आकर गिरी ऐसे परपेंडिकुलर टू द मिरर परपेंडिकुलर टू द मिरर तो इसी रास्ते लौट जाने वाली है ऐसे यहां पे कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइट आएगी तो परपेंडिकुलरली उसी रास्ते वापस लौट जाएगी तो ये हुआ हमारा रीट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट रीट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया यदि आपको ये समझ में आ गया है तो HC Verma का जो रे ऑप्टिक्स वाला जो एक्सरसाइज है उसमें काफी सवाल दिए हुए हैं एग्जाम्पल में सवाल दिए हुए हैं रिट्रेसिंग वाले उन सवालों को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी पूरा वीडियो देखने के बाद हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर आ रहा है अनअकैडमी पे जिसका नाम है अनबॉक्सिंग 2021 इसके अंतर्गत अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो आपको सिक्स मंथ की वैलिडिटी फ्री मिलेगी यानी कि या आपका साल चलेगा और अगर आप सिक्स मंथ का सब्सक्रिप्शन करते हो तो मंथ की वैलिडिटी आपको फ्री मिलेगी ठीक है ना तो बच्चों बहुत ही बेहतरीन ऑफर है और ये ऑफर केवल दिसंबर टेन रात के बारह बजे तक वैलिड है और एनकेसी सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा ठीक और ये ऑफर किस उपलक्ष में है क्योंकि कल यानी कि 10 दिसंबर को अनअकेडमी के छह साल पूरे हो रहे हैं ठीक है ना तो बच्चों जितना जल्दी हो सकता है इसके लिए एनरोल करिए और इसका फायदा उठाइए लेट्स क्रैक इट इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ये सवाल में आपको दिया है कि तीन पॉइंट चार्ज हैं Q प्लस एंड प्लस आर प्लेस्ड एट दर्टाइसिस ऑफ अ राइट एंगल आइसोलेसिस ट्रेंगल

और हमें उस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है या कहूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कन्फिग्रेशन तरीका आपको याद होना चाहिए तो यहां पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कन्फिग्रेशन कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं तो जितने आपके पास मल्टीपल चार्जेस हैं तो आप उनको नाम दे दीजिए नंबर दे दीजिए नंबर वन नंबर नंबर एंड उसके बाद जितने नंबर हैं तीन हमारे पास चार्जेस हैं तो टोटल पेयर बनेंगे थ्री सी टू के बराबर ये आपने में सीखा होगा NCR, NCR आपने सीखा होगा राइट right? क्या होता है बेटा ये एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल राइट तो इसको मैं लिख सकता हूं थ्री सी टू को थ्री सी टू का मतलब यहां पे क्या हुआ कि हमारे पास है पूल ऑफ थ्री चार्जेस एंड वी हैव टू कंबाइंड पेयर हमें लेना है उन तीन चार्जेस में से तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं तो 3c2 के बराबर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं तो उतने नंबर ऑफ पेयर्स हमें पोटेंशियल एनर्जी में लिखने होंगे उतने पेयर्स ही पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखनी होगी तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 फैक्टोरियल इंटू थ्री माइनस टू फैक्टोरियल इज 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल तो यहां से आपको मिल जाएगा 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू टू इंटू वन लिख दूंगा और नीचे आ जाएगा आपके पास टू इंटू वन तो वन से वन गया टू से टू गया आपको आंसर आ गया थ्री। तो तीन पेयर्स चाहिए और जब नंबर ऑफ चार्जेस कम होते हैं तो हम ऑलरेडी बता सकते हैं यार एक इंदौना का पेयर होगा एक इंदोना का पेयर होगा एक इंदोनों का पेयर होगा तो ऐसे पेयर की पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और यदि चार्जेस ज्यादा हो आपके पास चार पांच छह चार्जेस हों तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर एनसीआर की जो वैल्यू है कैलकुलेट करें और डबल चेक करें कि उतने पेयर्स बन रहे हैं या नहीं तो हमें लिखना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन एंड टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन एंड थ्री पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन एंड वन इज नॉट अलाउड खुद का पोटेंशियल एनर्जी खुद के कारण नहीं लिख सकते प्लस अब बारी आती है दो की तो यू टू वन हम नहीं लिख सकते बिकॉज एक ही बात है यू टू टू नहीं लिख सकते आ जाएगा आपके पास यू टू टू नहीं लिख सकते और यू टू थ्री हम यहां पर लिख सकते हैं तो हमें एक दो तीन तरह की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है अब दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी होती है के क्यू वन क्यू टू बायॉल आर के बराबर तो यहां पर मैं 1 और 2 की पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा 1 है ये 2 है ये सो so, k into q स्मॉल q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम ये बेटा a है ये बेटा a है तो ये a√2 हो गया समझ गए ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये a है और ये भी a है तो ये a√2 हो जाएगा पाइथागोरस से निकाल सकते हैं तो आ जाएगा आपके पास k कैपिटल q स्मॉल q डिवाइडेड बाय a अंडर रूट ऑफ 2 प्लस थ्री की जो पोटेंशियल एनर्जी है आपको मिलेगा यहां पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितनी होगी टू और थ्री की पोटेंशियल एनर्जी लिखिए अपने आप कितनी होगी टू और थ्री की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली है लिखिए अपने आप अपने आप लिखिए तो आ जाएगा आपके पास के चेक करिए इंटू क्यू इंटू क्यू डिडेड बाय ए और ये जो टोटल एनर्जी है किसके बराबर दी हुई है टोटल पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है जीरो के के बराबर 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 तो तो इसका पूरा समीशन जो है मैं मैं किसके कर दूंगा पे लिख देने वाला तो दे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो ठीके? समझ में आ गया याद हो जाना चाहिए कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं मल्टीपल चार्जेस की यह पूरा मेथड जो है आपको आना चाहिए एक भी स्टेप मिस नहीं होनी चाहिए ठीक है तब जाके हम 100% एक्यूरेसी अपने सवाल में ला पाएंगे और जो बहुत ज्यादा जरूरी है तो भाई यहां से आप क्या कर सकते हैं ये ए ए और ए सब उड़ा सकते हैं के 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 उड़ा सकते हैं स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल k उड़ा सकते हैं आपको मिलता है कैपिटल q by root √2 कैपिटल q स्मॉल q 0 और मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं स्मॉल q से तो आपको मिल जाएगा इस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू यहां पे आ जाएगा वन बाय रूट टू प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो अब यहां पे इसे कर लिया जाएगा तो आपको मिलेगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन इंटू रूट टू माइनस वन और इंटू रूट टू डिवाइडेड बाय रूट टू प्लस वन आपको यहां पे मिलने वाला है और यहां पे दिया भी हुआ है हमें कि अंडर रूट टू की वैल्यू जो है उसे आप 1.4 मान सकते हैं तो आप यहां पे सॉल्व कर लेंगे आंसर आपको यहां पे मिल जाता है ठीक है अब सॉल्व कर लेंगे तो ये चीज हमें समझ में आ जानी चाहिए अब इस लेक्चर के बाद अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ 23 क्वेश्चन में हमें दिया है आ बाइनरी स्टार कंसिस्ट्स ऑफ टू स्टार्स ए एंड बी वेयर एम एस इज द मास ऑफ द सन तो ए वाले स्टार का मास दिया है हमें सन के मास के मल्टीपल में और बी वाले स्टार का जो मास है वो भी हमें सन के मास के मल्टीपल में दिया हुआ है दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास दे आर रोटेटिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास विच इज स्टेशनरी द रेशियो ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बाइनरी स्टार सिस्टम टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टार बी अबाउट द सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू तो हमें एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछा गया है तो मैं सबसे पहले इस आपको समझाने वाला हूं दिखाने वाला हूं कि बाइनरी स्टार होते क्या हैं और वो किस तरीके से रोटेट होते हैं अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो पेश है आपके सामने एक शानदार जिफ जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि एक स्टार और दूसरे स्टार दो यहां पे स्टार हैं उनके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है कोई डंडी कोई चेन कोई रस्सा यहां पे बीच में उनके नहीं है लेकिन फिर भी वो घूम रहे हैं एक दूसरे के एक दूसरे को फेस करते हुए एक दूसरे को फेस करते हुए घूम रहे हैं ऐसा लग रहा है कि एक एक होता है गेम होता है जिसमें दो लोग जो हैं अपने हाथों को पकड़ लेते हैं दो लोग जो हैं अपने हाथों को पकड़ लेते हैं ऐसे क्रॉस फैशन में और फिर जो है गोल गोल घूमने लगते हैं गोल गोल घूमने लगते हैं देखा होगा आपने शादी वादी की वीडियो में ऐसा होता है कि ऐसे दोनों हाथ पकड़ के जो है गोल गोल घूमने लगते हैं तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है बट यहाँ पे माइनस द हाथ माइनस द हाथ यहाँ पे गोल गोल घूम रहे हैं माइनस द हाथ जस्ट लाइक दिस हाथ नहीं है दोनों के मजबूर हैं बेचारे लेकिन फिर भी घूम रहे हैं क्यों घूम रहे हैं बिकॉज इनके पास इनके पास एक सेंट्रिपिटल फोर्स है और इनके पास वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू फोर्स है इसलिए ये सर्कुलर मोशन कर पा रहे हैं और इस पूरी प्रोसेस में सेंटर ऑफ मास जो है इनका कांस्टेंट रहता है सेंटर ऑफ मास इनका कांस्टेंट रहता है अब इन बाइनरी स्टार्स का देखने में तो मजा आ गया भाई हाँ ठीक है सर समझा भी दिया कि हाथ पकड़ के झूल रहे हैं अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं कि ऐसा क्या क्या इनमें पैरामीटर्स इंक्लूड होते हैं इनके रोटेशन में किस किस बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए तो यहां पे हमारे पास है ऑब्जेक्ट नंबर ए जिसका मास है 22 टू एम एस और दूसरा हमारे पास पार्टिकल है जिसका नाम है बी और जिसका मास है इलेवन टाइम्स मास ऑफ सन। के बराबर ऑफ मास होगा।, बीच होगा क्या तो जवाब है नहीं सर सेंटर ऑफ मास के बारे में हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास पहली बात तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पर होगा इनका सेंटर ऑफ मास इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पर होगा और जो इनमें ज्यादा भारी है उस ज्यादा भारी पार्टिकल्स के पास में होगा यदि हम बात करें इस मिडिल पॉइंट पर तो मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा आप उधर चले जाइए जहां पे मास ज्यादा है तो कहीं यहां से इधर लेफ्ट साइड में जो है आपको सेंटर ऑफ मास मिलने वाला है तो यहां पर होगा हमारा सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास का मतलब इसका और इसका एक सेंटर है सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास को बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते हैं कि हम इन दोनों को हटा के यहां पर पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं वो नहीं है वो इतना ओवर सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते सेंटर ऑफ मास ये है कि जो पूरे सिस्टम का एक्सिलरेशन है वो एक्सेलरेशन उतना ही होता यदि टोटल मास को यहां पर रख के और टोटल फोर्स इसके ऊपर लगा रहे होते ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सेंटर ऑफ मास को जो है ऐसे समझाना तीन वर्ड में ठीक है बस आप समझ गए कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है आपने पूरा का पूरा चैप्टर इस पर डेडिकेट किया है तो यहां से कुछ इसका डिस्टेंस होगा यहां से इसका कुछ डिस्टेंस होगा तो ये अपनी-अपनी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास को रेडियस मानते हुए सर्कल में घूम रहे होंगे तो ये एक ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा और ये जो है इसको सेंटर मानते हुए घूम रहा होगा लाइक दिस तो इस तरह से इनका मोशन होने वाला है ठीक है ये साथ साथ रहेंगे एक दूसरे को फेस करते रहेंगे एक दूसरे को फेस करते रहेंगे ये यहां आएगा तो ये यहां आ जाएगा ये यहां आ जाएगा यहां आ जाएगा यहां आ जाएगा यहां आ यहां जैसे दो लोग आपस में हाथों को क्रॉस करके झूला झूल रहे हैं बिल्कुल शक्ल जो है आमने सामने दिख रही है वैसे ही इनकी शक्ल भी आपस में एक दूसरे को दिख रही है आपस में एक दूसरे की शक्ल को देखते हुए ये घूम रहे होते हैं जस्ट लाइक दिस समझ गए अब ये साथ साथ घूम रहे हैं और इनका एंगुलर स्पीड बराबर होता है ये बात भी याद रखनी है कि इनके एंगुलर स्पीड बराबर होती है बिकॉज ये ऐसा लग रहा है कि यार ये डंडी से बंधे हैं ये इनविजिबल डंडे से बंधे हुए हैं ऐसा लग रहा है इनके रोटेशन को देख के तो हम कह सकते हैं कि क्लियरली इनका जो एंगुलर स्पीड है वो बराबर होने वाला है एंगुलर स्पीड बराबर होने वाला है एंगुलर स्पीड बराबर इनका होने वाला है तो यदि मैं बात करूं इसके एंगुलर मोमेंटम की टोटल एंगुलर मोमेंटम की तो टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा इसका आई ऑफ ए इंटू ओमेगा प्लस आई ऑफ बी इंटू ओमेगा यह हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया है और किसका रेशियो निकालना है हमें टोटल रेशियो ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस्टम टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टार बी डिडेड बाई एंगर मोमेंटम ऑफ स्टार नंबर बी और इसको हम लिख सकते हैं कितना आई बी इंटू ओमेगा के बराबर तो यहां से ओमेगा 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 को कैंसिल आउट किया जा सकता है तो हमें जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो मिल जाएगा आई ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाय आई बी आई बी से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा आई ए बाई आई बी प्लस वन यह हमारा आंसर होने वाला है तो यदि आपके पास ऑप्शंस दिए हो तो हम इतना तो समझ गए कि हमारा आंसर एक से ज्यादा आने वाला है तो यदि गलती से ऑप्शन में एक से कम भी आंसर दिए हुए हैं तो उनको हम काट सकते हैं उनको काट सकते हैं कि यार ये तो वन से कम हो ही नहीं सकता है तो ऐसे आप अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हैं पेपर में कि भाई ये ऑप्शन हटा दो जो हो ही नहीं सकते जिससे गलती के चांसेस तो और भी कम हो जाए गलती के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाएंगे है ना कि भाई ये तो हो ही नहीं सकते ये तो हो ही नहीं सकते हैं आंसर में चलिए आप निकाल लेते हैं आई ए और आई बी यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट ठीक है कैसे निकालेंगे डिस्टेंस निकालिए पहले सेंटर ऑफ मास की इनसे कितनी होने वाली है तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस निकालने का तरीका जो है वो काफी ज्यादा सिंपल है काफी ज्यादा सिंपल है देखिए कैसे यहां पे हमारे पास एक मास है ट्वेंटी टू एम एस के बराबर ट्वेंटी पार्टिकल नंबर ए पार्टिकल नंबर बी जो है यहां पे है इलेवन टाइम्स एम एस के बराबर इनका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहां पर और सेंटर ऑफ़ मास से इसका डिस्टेंस मैं मान लेता डी वन के बराबर है और इसका डिस्टेंस से डी वन तो की जो वैल्यू है, है। आपके पास ग्यारह बाईस तैतीस एमएस के बराबर से एमएस गया आपको मिल गया यहां से ग्यारह से तीन बार गया सो डी बाई थ्री हमारे पास आंसर मिल जाता है डी वन इज इक्वल टू डी बाई थ्री और डी टू के बारे में लिख सकता हूं मैं डी टोटल माइनस डी में कितना आपके पास टू डी बाई थ्री तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं object A1 का का इसका distance इस एक्सिस से कितना है D by 3 के है के बराबर तो हमें मिल जाएगा mass into distance का square, because ये छोटे छोटे पार्टिकल की तरह हम इनको ट्रीट कर रहे हैं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास कितना है इसका ट्वेंटी टू एम एस इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर डी स्क्वाइडेडिकल बी का मतलब क्या हो गया कि मासन टाइम्स एम एस इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर टू डी बाई थ्री का स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई नाइन हो गया प्लस में हमारे पास है सॉल्व करिए बेटा एम एस से एम एस चला गया डी स्क्वायर से डी स्क्वायर चला गया नाइन से नाइन चला गया ग्यारह से दो बार चला गया दो से दो बार चला गया तो आपको मिल जाता है यहां से 1 1 तो हमारा आंसर यहाँ पर हमें मिल जाता है तो आई होप आप यहाँ पे समझ गए कुछ बातें थी यहाँ पे बाइनरी स्टार के बारे में कि एक तो बाइनरी स्टार अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट होते हैं तो हमें सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए ये वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए यदि आपके पास पार्टिकल एम वन और एम टू रखे हुए हैं दो पार्टिकल का सिस्टम है टोटल डिस्टेंस उनके बीच का डी है तो मैं कह सकता हूँ सेंटर ऑफ मास जो है एम वन से डी वन डिस्टेंस पर होगा और एम टू से डिस्टेंस डी टू पर होगा और डी वन की वैल्यू लिखी जा सकती है सामने वाला मास इंटू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल ये एम वन प्लस एम टू

तो बिल्कुल वैसा ही सिमेट्री हमें रेजिस्टेंस में भी मिलता है बिल्कुल वैसा ही सिमेट्री फॉर्मूले में हमें सेंटर ऑफ मास में भी मिलता है तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे मुझे भी लॉन्ग टर्म तक जो है फॉर्मूले याद रहते हैं जो है क्योंकि मुझे म, मेरा जॉब ऐसा है कि मुझे हमेशा हर समय लगभग सारे ही फार्मूले याद होना जरूरी होता है है ना तो इस तरीके से हम रिलेशन बैठाते हैं ये अभी का काम नहीं है जब हम पढ़ते थे क्लास ट्वेल्थ में तब हमने ये खुद से जो है ये बनाए थे खुद से ऐसे समझा था खुद से ऐसा समझा था कुछ हमारे टीचर्स ने बताए थे तो ऐसे ही आपको ज्ञान प्राप्त करना होता है कुछ आप प्रैक्टिस करते करते खुद बनाते हैं कि आपको डिफिकल्टी है फॉर्मूला याद रखने में तो आप खुद सिमिट्री बनाइए खुद से लिखिए खुद से सिमिट्री बनाइए और जितना हम बता रहे हैं वो तो आप याद कर ही सकते हैं एज इट इज रेडीमेड तो ये फार्मूला आपको कभी नहीं भूलना है चाहे ये हो चाहे ये हो बिल्कुल ऐसे ही है टोटल डिस्टेंस इंटू सामने वाला मास अपॉन टोटल मास ऐसे इसमें करंट देखना है तो टोटल करंट इंटू सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस तो ऐसे आप निकाल सकते हैं वैल्यू ठीक है और फिर हमें पूछा था यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के बारे में तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी सारी बातें हमने यहाँ पे बता दी हैं अब एक चीज और मैं आपके लिए यहाँ पे बताने जा रहा हूं बिकॉज आज मेरा मन कर रहा है बताने का आज मेरा मन कर रहा है बताने का कि आपको और भी बहुत सारी चीजें बता दूं तो मैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आपको ब्रीफ में बताने वाला हूं

तो ऐसे ही जो पोजीशन होता है वर्ड वो इंग्लिश का ही वर्ड है और उसका मतलब वही होता है जो आप हमेशा जानते हैं कितने टाइम से सिखा रहे हैं तो भैया इसकी पोजीशन हम पूछ रहे हैं किससे पूछ रहे हैं हम ओरिजिन से पूछते हैं जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं उससे पूछते हैं भाई पोजीशन क्या है व्हाट्स द पोजीशन व्हाट्स द पोजीशन आपने देखा होगा वॉर वाली मूवी होती है जिसमें सोल्जर होते हैं आर्मी होते हैं वो कहते हैं व्हाट्स योर सिक्स व्हाट्स योर नाइन ऐसे सारी चीजें पूछते हैं तो ऐसे पूछा हमने व्हाट्स द पोजीशन तो ये कहता है कि भाई उंगली करके कहेगा ये वो रहा, वो रहा ये कहेगा वो रहा। तो ये वाला जो वेक्टर है जो उसकी पोजीशन को बता रहा है that is called position वेक्टर. तो, एंगुलर बत, एल वेक्टर तो आर वेक्टर पी वेक्टर. या लिख सकते हैं इसे आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर स्केलर है बाहर ले जाइए तो आपको मिल जाएगा एम आर क्रॉस वी वेक्टर मैग्नीट्यूड में यदि लिखना चाहें ये तो हो गया आपके पास वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड में लिखना चाहे तो एल इज टू एम आर वी साइन आपको यहां पे मिल जाता है तो जो डायरेक्शन इसका होगा वो वही डायरेक्शन इसका होगा तो इसका डायरेक्शन देखना भी आना चाहिए ये आपके पास आर वेक्टर है ये आपके पास वी वेक्टर है आर क्रॉस वी अंदर की तरफ आपको मिल रहा है अंदर की तरफ आपको मिल रहा है अंदर की तरफ आपको मिल रहा है एक और तरीका जो है एक इंट्यूशन वाला जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम बिना निकाले देख सकते हैं ये इसका डंडी है, है।, है तो ये पार्टिकल इस डंडी को किधर घुमाना चाह रहा है ये पार्टिकल यदि से अटैच्ड है तो इसको किधर घुमाना चाह रहा है? ये ऐसे मूव करे ऐसे मूव करे ऐसे मूव करे ऐसे मूव करे ऐसे ये डंडी किधर जाएगी ये डंडी किधर जाएगी ये आम किधर जाएगी ये आम जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने वाली है ये clockwise direction move करेगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगी वाला पार्टिकल इस लाइन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और राइट right हैंड से देख सकते हैं क्लॉकवाइज का मतलब अंदर की तरफ है तो ये बात हुई हमारे एक पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम निकालने की अब यदि बात करूं आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो रोटेट हो रहा है प्योर रोटेशन कर रहा है ये ट्रांसलेशन के लिए है ट्रांसलेट को यदि कर रहा है तो ट्रांसलेट यदि कर रहा है एक सीधी लाइन में चल रहा है तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है ये वाला तरीका होता है और यदि आपके पास कोई है रिजिड बॉडी है पार्टिकल है पार्टिकल के लिए भी लगा सकते हैं पार्टिकल और रिजिड बॉडी ठीक है वैसे आप रिजिड बॉडी के लिए लिखिए रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी यदि है और वो प्योर रोटेशन कर रही है प्योर रोटेशन यदि वो कर रही है तो क्या होगा प्योर रोटेशन यदि रिजिड बॉडी कर रही है मान लीजिए आपके पास एक रिजिड बॉडी है आ, कुछ भी मान लीजिए ये आपका एक्सिस है ये एक्सिस है ये एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट कोई एक रिजिड बॉडी है रैंडम शेप की रिजिड बॉडी है ठीक है तो एक्सिस के अबाउट रोटेशन देखिए इसका किस तरफ है इसका ओमेगा एंगुलर स्पीड जो है किस तरफ है यदि इसका एंगुलर स्पीड इस तरफ है तो जो एंगुलर स्पीड की डायरेक्शन है वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होने वाली है 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 सिंपल सा एल एल इज इज टू टू आई आई ओमेगा ओमेगा ये एंगुलर मोमेंटम का है। जो ओमेगा देख लीजिए किस सेंस में है ओमेगा किस सेंस में आप अपने जो है क्या बोलते हैं अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कीजिए ओमेगा की डायरेक्शन में तो आपको एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन मिल जाएगा अब यदि आपको ये वाला फॉर्मूला जो लगाना है रिजिड बॉडी के प्योर रोटेशन में और ये वाला फार्मूला जो पार्टिकल के ट्रांसलेशन में निकालना है ये बात हुई है कि जब कोई प्योर ट्रांसलेट करे तब क्या लगाना है प्योर रोटेशन करे तब क्या लगाना है और जब रोलिंग होती है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं अगले लेक्चर में तो कमेंट करके बताइए कि सर जब बॉडी रोल करती है जो है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों होता है

किस तरफ है एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आपके घर के पंखे के लिए जो सीलिंग फैन है उसकी बात कर रहा हूं जो छत पे लगा हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइए यदि आप चाहते हैं तो मैं जो आपका रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं जब वो ट्रांसलेट और रोटेट दोनों हो रही होती है एक साथ में और दूसरा सवाल है कि इस पंखे का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन मुझे बताइए और आप क्या कर सकते हैं अपने सीखने के लिए कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास जो घूम रहे हैं चाहे वो गाड़ी का पहिया हो चाहे वो बाइक का पहिया हो चाहे वो कोई भी, भी व्हील हो कोई भी रिजर्ड बॉडी हो यदि वो घूम रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए आपके बहुत काम आएगा तो इसी नोट के साथ मैं फिनिश करता हूँ इस लेक्चर को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए थैंक यू